डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग मॉडल 5 का एफ जी एक्स, जी एक्स का फंक्शन और जी डैश एक्स इंटू में रहेगा और उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं और थोड़ा सा इजी वे से इजी क्वेश्चन सब हम लोग बनाए थे, उससे थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये 7 क्वेश्चन है रखे हुए हैं और जिसमें से हमारा ये 7 क्वेश्चन खूब इम्पोर्टेंट होगा और इसको कैसे सॉल्व किया जाए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डस एक्स इसका इंटीग्रांड होता है और जहां पर जी एक्स और जी डस एक्स को समझना है, जी एक्स को टी मानेंगे और जी डस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर वन क्या है ना, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन इंटू एफ डस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये क्वेश्चन है जहां पर एन इज नॉट इक्वल टू -1। तो एन -1 नहीं है, तो यहाँ पर है कि यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को अगर टी मानते हैं क्योंकि इसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग putting f of ax plus b is equal to t. तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पहले ax प्लस बी के रेस्पेक्ट में इतना हुआ, फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा a इंटू 1 प्लस बी का 0 और यहां पर इंटू dx और इधर हो जाएगा dt। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफ डस ए एक्स प्लस बी इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई ए, तो ये से डिवाइड हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीग्रेशन के अंदर करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको तो टी माने हैं तो टी टू दी पावर एन, टी टू दी पावर एन एफ डैश एक्स, ये एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसके जगह पर हम लिखेंगे डी टी बाई ए, यहाँ पर 1/a कांस्टेंट और टी टू दी पावर एन डी टी, एन तो यहाँ -1 नहीं है और इसलिए -1 अगर होता तो लॉग टी हो जाता, तो -1 चूंकि नहीं है इसलिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे टी टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट और इस तरह से 1/a इंटू एन प्लस 1 और यहाँ टी के जगह पर हम लिख देंगे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, डी एक्स बाय रूट ओवर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ओके, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं कि साइन एक्स प्लस अल्फा, इसमें हम लोग हेयर अगर हम लोग साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा को हम लोग सॉल्व करते हैं तो होगा साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ना, साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू हो जाएगा, साइन एक्स से डिवाइड हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा होल बाय साइन एक्स, मतलब साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन टू द पावर 4x और यहां पर साइन एक्स बाय साइन एक्स कैंसल हो जाएगा, ये कॉस अल्फा जो कि कांस्टेंट है और कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा
और साइन अल्फा कॉन्स्टेंट साइन अल्फा इंटू कॉटेक्स, ये वैल्यू अगर यहाँ पर बैठा देते हैं तो गिवन इंटीग्रल इसका टू क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा डी एक्स बाई साइन फोर एक्स, जो कि रूट से रूट के अंदर साइन फोर एक्स इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा जो कि कांस्टेंट है, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ये होगा ओके। तो ये साइन फोर अल्फा रूट के बाहर आने से साइन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कॉस एक इसका लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स ओके कॉट एक्स। तो ये वैल्यू अगर हम लोग बैठाते हैं यहां पर कॉट एक्स, यहां पर अल्फा तो कांस्टेंट है ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तब ना लिखेंगे डी एक्स बाय साइन फोर एक्स का रूट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू रूट ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स ओके। अब अगर हम लोग ये वन बाय साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल बाय रूट ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट नहीं है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स ओके। अब इस रूट को अगर हम लोग टी मान लेते हैं पूरे रूट ओवर, नाउ पुटिंग कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू सम टी, तो क्या हो जाएगा ना, कॉस अल्फा तो जीरो का कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं ना, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी ओके। तो हो जाएगा therefore माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन अल्फा डी टी बाई साइन अल्फा जहां पर साइन अल्फा कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा होगा, तो therefore गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा था ना, है हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके जगह पर हम बैठा देंगे माइनस डी टी बाई साइन अल्फा, और यहां पर हो जाएगा रूट ओवर टी ओके, ये हो जाएगा रूट टी, और ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई साइन अल्फा, साइन अल्फा तो बाहर रहेगा माइनस वन बाय साइन अल्फा, और ये हो जाएगा डी टी बाई रूट टी। अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा मेरा this implies this equal to minus 1 by sin alpha into t to the power minus half plus 1 by minus half plus 1, तो ये हो जाएगा minus half, तो minus 1 by sin alpha t to the power ये हो जाएगा minus half plus 1, that is plus half by plus half, यानी हो जाएगा 2 माइनस 2 टी टू द पावर हाफ बाय साइन अल्फा, ये प्लस सी हो जाएगा। तो जहां पर हम लोग बैठा देंगे माइनस 2 बाय साइन अल्फा इंटू टी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी का पावर हाफ दैट इज रूट ओवर, टी का वैल्यू है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट आंसर ओके।
ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू। ओके, यानी हम लोग उसको साइन ए प्लस बी तोड़ के और यहां से हम लोग साइन डिवाइड करके साइन फोर को साइन क्यूब को साइन फोर कर देंगे और वन बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा जो कि कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर के बाद रूट के अंदर देखना है कि कॉस अल्फा है ना, साइन एक्स कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बचेगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, और जिसको साइन एक्स से डिवाइड करके साइन फोर एक्स कर देंगे और रूट साइन फोर एक्स माने साइन स्क्वायर एक्स, वन बाय साइन स्क्वायर माने कॉसेक स्क्वायर। ओके, कॉसेक स्क्वायर करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है ना, टू का पावर टू फिर पावर टू टू दी पावर एक्स इंटू टू टू दी पावर टू टू दी पावर एक्स इंटू टू टू दी पावर एक्स डी एक्स। या अगर हम लोग पुटिंग टू टू दी पावर टू टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी मानते हैं तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन पहले हम लोग इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, टू टू एक्स इसको विथ रेस्पेक्ट टू 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 दी पावर इन टू, फिर इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे टू टू दी पावर एक्स के रेस्पेक्ट में दिस, फिर टू टू दी पावर एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन टू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। ओके, तो हमारा डिफ्रेंसिएशन कैसे हुआ था ना, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है ना, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स से होता है, सिर्फ हमारा उतना ही होगा एक लॉग ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई। तो उसी तरह टू टू दी पावर दिस होल विथ रेस्पेक्ट टू 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 दी पावर टू टू दी पावर एक्स, तो टू टू दी पावर इसको एक्स पूरा को समझेंगे तो टू टू दी पावर एक्स का उतना ही होगा, दैट इज टू 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 एक्स इतना ही होगा इन टू लॉग टू। ओके, फिर होगा इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा ना, इतना ही होगा इन टू अगेन लॉग टू, फिर इसका क्या होगा टू टू पावर एक्स का ना, टू टू पावर एक्स लॉग टू डी एक्स इज डी टी। तो ये क्या हो गया ना, टू का पावर इतना, टू का पावर इतना इन टू 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 पावर एक्स इन टू लॉग टू का होल क्यूब और इन टू डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि हम इतना इंटू डी एक्स इसका टू लिख सकते हैं डी टी बाय लॉग टू होल क्यूब, दिस इंटू दिस इंटू दिस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय लॉग टू होल क्यूब, तो देयर फोर गिवन इंटीग्रल बिकम्स देयर फोर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, दिस इक्वल टू हो जाएगा दिस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाय लॉग टू का होल क्यूब, जहां पर वन बाय लॉग टू होल क्यूब इंटू डी टी। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, टी हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वन, दिस इंप्लाइज नहीं होता है इक्वल, दिस इक्वल टू इंटीग्रल इक्वल टू है, इसको ध्यान देना है इक्वल और इंप्लाइज का चिन्ह सही होना चाहिए। डी टी का टी हो जाएगा प्लस सी, और टी का वैल्यू बैठा देंगे तो हो जाएगा लॉग टू होल क्यूब इंटू टी का वैल्यू हो जाएगा टू टू दी पावर टू टू दी पावर एक्स और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ओके, और इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स। तो यहां पर अगर हम लोग टेन स्क्वायर टू एक्स रख देते हैं और यहां पर सेक टू एक्स और टेन टू एक्स रख देते हैं, ठीक है, तो फायदा क्या है,
ना इसको सेक में बदल देंगे और ये सेक का डीसी है, तो इसलिए ये हो जाएगा टेन इंच स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स। तो क्लियरली यहां पर जी एक्स हो जाएगा सेक टू एक्स, सेक टू एक्स को टी मान लेंगे तो ये डी टी हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। और इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ पुटिंग sec x sec 2x इज इक्वल टू t, sec 2x इज इक्वल टू t, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हो जाएगा sec 2x का डिफरेंशिएशन sec into 10 और इंटू टू एक्स का फिर अगेन डिफरेंशिएशन, तो इंटू टू और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी हो जाएगा सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो मेरा ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन और ये डी टी बाई टू हो जाएगा। ओके तो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल क्या हो जा रहा है टी स्क्वायर माइनस वन और ये डी टी बाई टू, तो बाई टू वन बाई टू बाहर रहेगा टी स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन। ओके टी किसको माने हैं, टी माने हैं सेक टू एक्स को टी स्क्वायर माइनस वन। ओके तो यहां पर हो गया टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री माइनस, पहले हाफ तो कॉमन रहेगा तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री माइनस वन का टी प्लस सम कांस्टेंट, यानी हाफ टी के जगह पर बैठा देंगे सेक स्क्वायर टू एक्स, सेक टू एक्स का क्यूब दैट इज सेक क्यूब टू एक्स बाय थ्री, टी के जगह पर बैठा देंगे सेक टू एक्स, तो सेक क्यूब टू एक्स बाय थ्री माइनस सेक टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो ये क्या है ना डी एक्स बाय एक्स इंटू एक्स फोर माइनस वन। यहां पर अगर हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ना एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर रूट एक्स फोर माइनस वन। अब अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो टू एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, यानी एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई टू, और यहाँ एक्स स्क्वायर को टी माने हैं टी इंटू रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस वन, और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना सेक इनवर्स टी प्लस सम कांस्टेंट, और टी का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे हाफ सेक इनवर्स टी के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आंसर। ओके अब क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है ना डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स फोर प्लस वन टू दी पावर थ्री बाई फोर। अब है कि हम लोग अगर एक्स फोर से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सोचना है कि अगर हमारा एक्स फोर से डिवाइड करते हैं, अब ऐसा है एक्स स्क्वायर है यहाँ हम लोग एक्स फोर प्लस वन है तो एक्स फोर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी हमको जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स फोर टू दी पावर थ्री बाई फोर से डिवाइड किया तो एक्स फोर टू दी पावर थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर और ये एक्स फोर बाय एक्स फोर वन प्लस वन बाय एक्स फोर टू दी पावर थ्री बाय फोर, एक्स फोर का ये एक्स क्यूब हो गया
और ये dx, यानी हो गया हमारा 1 by x5 into 1 by 1 plus 1 by x4 to the power 3 by 4. अब अगर हम लोग इसको t मान लेते हैं, किसको 1 plus, now putting, now putting 1 plus 1 by x4 is equal to t. तो क्या 1 का 0 प्लस ये माइनस 4 है, तो माइनस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 4 माइनस 1 होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस 4 बाई एक्स 5 डी एक्स इज डी टी, यानी 1 बाई एक्स 5 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय 4. हो गया. तो 1 बाई एक्स 5 यहाँ डी एक्स है इंटू डी एक्स. ओके, तो डी एक्स बाय एक्स 5 उसके जगह पर लिखेंगे माइनस डी टी बाय 4. ओके, तो देयर फॉर गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय एक्स 5 डी एक्स, उसके जगह पर लिखेंगे माइनस डी टी बाय 4 इंटू ये 1 बाय टी टू द पावर 3 बाय 4. ओके, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तब, तो हो जाएगा माइनस 1 बाय 4 ये टी टू द पावर माइनस 3 बाय 4 डी टी, यानी हो जाएगा माइनस 1 बाय 4 टी टू द पावर माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 प्लस सी, और यानी हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 बाय 4, 1 बाय 4, 1 बाय 4 कट जाएगा माइनस 1 बाय 4 टी टू द पावर हो जाएगा 1 बाय 4 बाय 1 बाय 4. ओके, तो प्लस सी यानी हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 1 बाय 4 प्लस सी, और टी के जगह पर वैल्यू बैठा देंगे, टी कितना है, दिस इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 1 बाय 4 प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रूट ओवर एक्स माइनस 1 डी एक्स, पुटिंग रूट ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, दैट इज एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो डिफरेंशिएशन करने से एक्स का एक्स 1 का 0 डी एक्स इज हो जाएगा 2 टी डी टी, और यानी एक्स डी एक्स हो जाएगा 2 टी डी टी, और यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू यहां से क्या होगा ना, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1. तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2 टी डी टी बाई एक्स, एक्स के जगह पर 1 प्लस टी स्क्वायर ये वैल्यू बैठा देंगे, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर दिस यानी टी, और डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे ना 2 टी डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. तो ये 2 बार रहेगा टी स्क्वायर डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन टी, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिस प्लस सी, और टी के जगह पर वैल्यू बैठा देंगे रूट ओवर
ex minus 1 minus 10 inverse root over ex minus 1 plus some constant, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके? इस तरह से ये थोड़ा सा हार्डर क्वेश्चन हम लोग बना दिए, ओके? नेक्स्ट डे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ओके? थैंक यू.